तो आज का हमारा टॉपिक है कि हमल के लिए कौन से दिनों से फायदा उठाना चाहिए। कुछ डेज ऐसे होते हैं कि जिसमें प्रेगनेंसी होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं और उसको फर्टाइल विंडो कहते हैं, जो कि हमल के अगर किसी पेशेंट का जो साइकिल है वो 28-30 डेज का है तो उसके होते हैं उसके मेंसेस खत्म होने के बाद जैसे 8वें दिन से लेकर 18वां दिन, ये वाले जो 10 दिन बीच में हैं उसको फर्टाइल विंडो बोलते हैं, क्योंकि इसमें हमल ठहरने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर परवीन है, मैं कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट हूँ एंड आई हैव डन माय एमबीबीएस एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हमल के लिए कौन से दिनों से फ़ायदा उठाना चाहिए। बेसिकली एक जो खातून है उनके जो पीरियड्स के जो डेज़ होते हैं उसका एक साइकिल होता है, जो कि अमूमन जो है 28-30 डेज़ का एक साइकिल होता है, ठीक है। कुछ दिनों का, कुछ लोगों का साइकिल इससे कुछ दिन नीचे कम भी हो सकता है और कुछ का एक दो दिन ऊपर नीचे भी ये हो सकता है, लेकिन मोस्टली 28-30 डेज का एक साइकिल होता है कि जिसमें टू फेजेस चल रही होती हैं या दो तरह के उतार चढ़ाव आ रहा होता है। और उसमें जो पहले 14 दिन होते हैं, अगर तो 28 डेज का साइकिल है तो फर्स्ट 14 डेज में जो फोलिकल है जिसको अंडा बोलते हैं वो साइज में बड़ा हो रहा होता है, इंक्रीज होता है। 14th डे पे वो एग रिलीज हो जाता है जिसको ओवुलेशन हम बोलते हैं, और जो लास्ट वाले 14 डेज हैं उसमें या तो वो एग वेस्ट हो जाता है अगर प्रेगनेंसी ना हो तो, और अगर एग और स्पर्म आपस में मीट कर जाएं तो पेशेंट कंसीव कर लेती है और प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो जाती है। तो बेसिकली हमारे पास जो पेशेंट हमला होना चाहती हैं और वो अपने फर्टाइल डेज को यूज़ करना चाह रही हैं, तो अब कुछ डेज ऐसे होते हैं कि जिसमें प्रेगनेंसी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और उसको फर्टाइल विंडो कहते हैं, जो कि हमल के अगर किसी पेशेंट का जो साइकिल है वो 28-30 डेज का है तो उसके होते हैं उसके मेंसेस ख़त्म होने के बाद जैसे 8वें दिन से लेकर 18वां दिन, ये वाले जो 10 दिन बीच में हैं उसको फर्टाइल विंडो बोलते हैं, क्योंकि इसमें हमल ठहरने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। इसमें पेशेंट को चाहिए कि वो एक दिन ठहर के एक दिन इसको यूज़ करे, का फ़ायदा उठाए, और इन दिनों में क्योंकि हमल होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा ये हमारे पास, मैं आपको ये दिखाती हूँ अगर आपको नज़र आ रहा हो तो, ये हमारे पास एक चार्ट है जिसमें दिखाया गया है कि कितने साइकिल में डेज कितने होते हैं और फिर ओवुलेशन किस दिन पे हो रही होती है। ये 14 डे है, पहला मरहला है यहाँ पे साइकिल का, और ये 14 डे पे आके ओवुलेशन होती है यानी एग रिलीज हो जाता है। तो अगर इस डे को यूज़ किया जाए या इससे पहले या इसके बाद वाले डेज को अगर यूज़ किया जाए तो उसमें ये होता है कि एग और स्पर्म के रिलीज़ होके आपस में मिलने के चांसेस मैक्सिमम हो जाते हैं और इन दिनों में पेशेंट कंसीव कर सकती है, तो इसलिए इन डेज को अवेल करना चाहिए। एग रिलीज होने के 24 घंटे के बाद एग की वायबिलिटी रहती है, और इसके अलावा जो स्पर्म है वो 3-5 डेज तक वायबल होता है। तो इसलिए ज़्यादातर कोशिश करनी चाहिए कि फर्टाइल विंडो को यूज़ करें पेशेंट और हमल ठहरने के लिए ये दिन इस्तेमाल कर सकते हैं।